शुभ प्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 9 जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। इस शीर्षक के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है तथा इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय और वाची। पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। इस प्रकार पर्यायवाची का अर्थ होता है समान बोले जाने वाले शब्द। पर्यायवाची शब्दों को ही अंग्रेजी भाषा में साइनोनिम्स शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के विषय में यह कहा जाता है कि जो भाषा जितनी ही समृद्ध होती है उसमें उतने ही ज़्यादा पर्यायवाची शब्द होते हैं। यहाँ तीन वाक्य दिए गए हैं। पहला, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। दूसरा, गुरुजी को प्रणाम करो। और तीसरा, शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि तीनों ही वाक्यों में अध्यापक, गुरुजी तथा शिक्षकों शब्दों का प्रयोग एक ही व्यक्ति के संबोधन के लिए प्रयोग किया गया है, परंतु लेखन की दृष्टि से यह तीनों ही वाक्य अलग हैं। यह तीनों ही वाक्य एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, एक ही व्यक्ति की बात करते हैं, इसीलिए इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जा सकता है। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा, अध्यापक, गुरुजी और शिक्षक तीनों के ही अर्थ लगभग समान थे, इसलिए इनको समानार्थी शब्द कहा गया। उदाहरण, अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुधा, पीयूष, सोम, पानी आदि। समान अर्थ बनाने वाले शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहा जाता है, अर्थात जो शब्द समान अर्थ बनाए उन्हें पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहा जा सकता है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं, अतः इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ एक दूसरे से मेल खाते हैं, समान होते हैं, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अर्थ में अंतर के कारण सभी पर्यायवाची एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक पर्यायवाची शब्द एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा एक विशेष स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह सावधानी बरतनी चाहिए कि किस पर्यायवाची शब्द को किस वाक्य के साथ जोड़ा जाए। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जैसे अंग का पर्यायवाची गात, काया, शरीर, देह, तन। अतिथि का पर्यायवाची होता है, अतिथि को हम मेहमान भी कहते हैं, आगंतुक भी कहते हैं, पाहुना भी कहते हैं, अभ्यागत भी कहते हैं। अनाज का पर्यायवाची अन्य, शस्य, धान्य। अहंकार का पर्यायवाची दंभ, घमंड, अभिमान, दर्प, मद। आलोक का पर्यायवाची प्रकाश, रोशनी, ज्योति, उजाला। इच्छा का पर्यायवाची चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा। उद्यान का पर्यायवाची बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका, चमन। कल्पवृक्ष का पर्यायवाची कल्पतरु, कल्पद्रुम, देववृक्ष, सुरतरु। किसान का पर्यायवाची कृषक, हलधर, हलवाहा, खेतीहर, कृषिजीवी। कुबेर का पर्यायवाची धनक, धनद, धनपति, धनाधिपति, यक्षराज। कोष का पर्यायवाची निधि भंडार और खजाना। गरुड़ का पर्यायवाची खगेश, पक्षीराज, हरिवाहन, खगकेतु। गहना का पर्यायवाची आभूषण, भूषण,
अलंकार, जेवर, विभूषण, चांदनी का पर्यायवाची चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रप्रभा, जन्म का पर्यायवाची पैदाइश, उत्पत्ति, उद्भव, आविर्भाव, जमुना के पर्यायवाची हैं यमुना, कलिंदी, श्यामा, रविशुता, सूर्यतनया। क्योंकि यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, इसलिए इन्हें सूर्य तनाय कहा जाता है। झरना का पर्यायवाची निर्झर, स्रोत, सोता, उत्स। डर का भय, आतंक, दहशत, भीति, खौफ। तरु का वृक्ष, पेड़, पादप, विटप, ध्रुव। दांत का दंत, दशन, दंत, द्विज। इस प्रकार सभी पर्यायवाची शब्दों को आपको याद कर लेना चाहिए।